हेलो स्टूडेंट्स है यू ऑल आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन एट योर होम वेलकम टू साइंस क्लास आज हम रिवाइज़ करेंगे चैप्टर नंबर वन और टू दोनों कंबाइंड इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर वन स्टार्ट करते हैं जो है हमारा सोर्सेज ऑफ फूड तो लेट्स स्टार्ट विथ शुअर फॉल्स राइस इज़ मेजर फूड इन साउद पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया के साउदर्न पार्ट में जो राइस uh, जो है वो मेजर पार्ट ऑफ फूड ही येस इट इज़ ट्रू वीट मेज ओट्स एंड बार्डी आर कॉल्ड पल्सेस ये सारी पल्सेस है वीट मेज ओट्स एंड बार्डी नो इट इज फॉल्स चीज जो है वो मिल्क से बनता है ये इट इज़ ट्रू वर्ल्चर इज कैंजर इट इज़ ऑल्सो ट्रू हनी इज अ फैट रिच फूड हनी जो है वो फैट रिच फूड है नहीं हनी में फैट नहीं है देन गिव वन वर्ड स्वीट लिक्विड सेक्रेटेड बाय द फ्लावर फ्लावर्स में से जो स्वीट लिक्विड निकलता है वो क्या होता है इट इज नेक्टर इट इज नेक्टर देन सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड इन मेकिंग फूड जो कि फूड बनाने में यूज होते हैं वो क्या होते हैं इन्ग्रीडियंट्स देन एन एनिमल फीड्स ऑन डेड मैटर जो एनिमल डेड मैटर पर अपना खाना खाते हैं वो होते हैं स्कैंजर एडिबल पार्ट ऑफ लेट्यूज एडिबल पार्ट क्या होता है लेट्यूज का लीफ द मिल्क प्रोडक्ट विच इज मेड बाई चर्निंग क्रीम क्रीम को चर्न करके क्या बनाया जाता है बटर और जो लेफ्ट ओवर होता है वो क्या होता है बटर मिल्क नाउ मैच द कॉलम्स तो हनी हनी किससे आता है नेक्टर से जो फ्लावर से मिलता है टर्मरिक क्या है टर्मरिक एक स्पाइस है फंगाई फंगाई डिकम्पोजर है देन वीट वीट क्या है सीरियल है पैरासाइट्स की एग्ज़ाम्पल है लाइस और बेडबग्स जुए एंड बेडबग्स देन डिकम्पोजर्स की एग्ज़ाम्पल है फंगाई एंड बैक्टीरिया फंगाई और बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स के एग्जांपल्स हैं देन स्कैवेंजरस के एग्जांपल है वल्चर एंड क्रो देन टिक द करेक्ट ऑप्शंस इट्स स्टेम्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर ईटन इनमें से कौन से ऐसे चीज है जिसके स्टेम्स फ्रूट और फ्लावर तीनों हम खा लेते हैं और उनकी बत्तियों पे फूड सर्व किया जाता है तो बनाना है ना बनाना लीव्स पे फूड सर्व किया जाता है देन नेम द दाल वी यूज फॉर मेकिंग इडली इडली बनाने के लिए हम कौन सी दाल का यूज़ करते हैं मुरद दाल का यूज़ करते हैं सोयाबीन ऑयल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज कुकिंग ऑयल सोयाबीन ऑयल जो है सभी के घरों में मोस्टली यही सोयाबीन ऑयल ही यूज़ होता है कहाँ से मिलता है वो हमें सोयाबीन के से तो सीड्स ऑफ सोयाबीन इज द करेक्ट एंसर विच ऑफ द्रुप ऑफ एनिमल्स कंटेन ओनली ऑमनिवर्स इनमें से कौन से ऑमनीवर्स है ऑमनीवर्स मीन्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों ईट कर सकते हैं तो ह्यूमन रेड्स एंड स्पेरोज वी मेक ऑमलेट्स फ्रॉम ऑमलेट्स हम किससे बनाते हैं से बनाते हैं इजी ऑफ़ द फॉलोइंग प्लांट्स इन प्लांट्स में के एडिबल पार्ट्स हमें लिखने हैं तो चिली चिली का हम क्या खाते हैं फ्रूट खाते हैं पंपकिन पंपकिन का क्या खाते हैं हम वी ईट फ्लार पंपकिन जो होता है कद्दू जो होता है वो क्या होता है फ्लार होता है रेडिश रेडिश क्या होती है रेडिश रूट्स होती है देन रेडिश आर रूट्स एंड ऑनियन आर ऑल्सो रूट्स कैरोट जो होती है कैरोट सॉरी कैरोट भी रूट्स होती है कोकोनट कोकोनट क्या होता है कोकोनट फ्रूट होता है ना कोकोनट के जो ट्री है उस पर जो फ्रूट होता है वो कोकोनट होता है फेनुग्रीक फेनुग्रीक मेथी क्या होती है इट इज सीड्स जो हम फेनुग्रीक सीड्स घर पे यूज करते हैं दे आर सीड्स नाउ एक्टिविटी के लिए एक क्वेश्चन हो सकता है मेकअ लिस्ट ऑफ फूड्स ऑफ ईच स्टेट पॉपुलर फूड हर स्टेट का एक पॉपुलर फूड है हमारे इंडिया में तो हमें उनके पिक्चर्स लगाने हैं एंड उस स्टेट का नाम लिखना है जैसे कि इस पिक्चर में दिया गया है देन कलेक्ट द रेपर्स ऑफ सम पैक्ड फूड हमें पैक्ड फूड जो होता है जो रेपर हम फेंक देते हैं उसे हम कलेक्ट करेंगे और उनका जो ये पीछे इंग्रीडियंट्स वाला पार्ट है उस इंग्रेडिएंट्स वाले पार्ट को निकाल के और उसके इंग्रेडिएंट्स राइट करेंगे एंड उसे पेस्ट करेंगे द ब्लैंक्स द ब्लैंक्स है आपका शुगर एंड स्टार्च आर टू एग्जाम कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है हमारे फूड में किस फॉर्म में मिलता है या तो वो शुगर के फॉर्म में मिलेगा या तो वो स्टार्च के फॉर्म में मिलेगा देन इज has no nutrient value but is required for healthy digestive system. Roughage and water की कोई nutrient value नहीं है but हमारे digestive system को healthy रखने के लिए roughage और water दोनों ही important है. Young children are advised to eat young children जो छोटे बच्चे होते हैं या बीमार जो होते हैं उन्हें क्या advice किया जाता है उन्हें ज्यादा क्या खाना है protein खाना है. Protein rich food खाना है. Spinach जो है uh, spinach is rich in iron. ठीक है पालक जो होता है वो किस में रिच है क्या उसमें ज्यादा क्वांटिटी में है आयरन देन डेफिशिएंसी ऑफ़ विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑफ़ विटामिन डी विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है विटामिन डी की कमी से हो सकता है रिकेट्स देन नेम द डिस बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है ग्वेटर नेम द कंडीशन कोज बाई अगर बॉडी में से पानी बहुत ज्यादा लूज हो जाए वाटर जो है उसकी कमी हो जाए लॉस ऑफ वाटर तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन को क्या कहा जाता है डिहाइड्रेशन नेम द कंडीशन कोज बाय लैक ऑफ रफेज रफेज की कमी की वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है कंस्टिपेशन नेम द बॉडी डिसऑर्डर कोज बाय एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट अगर हमारी बॉडी में फैट ज्यादा हो गया तो क्या होगा नेम द फैट फाउंड इन घी घी में किस टाइप का फैट होता है तो घी में फैट होता है जो भी लिक्विड फैट होते हैं उन्हें सेचुरेटेड फैट कहा जाता है देन प्रोटीन प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है क्वेश घी में क्या होता है फैट होता है पपाया जो है वो विटामिन ए में रिच है नूडल्स में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है और साइट्रस फ्रूट होता है इट इज रिच इन विटामिन सी नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव यू मोर एनर्जी इनमें से क्या चीज़ आप खाओगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो अगर आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हो इन सब में से एप्पल बॉइल्ड एग कॉर्नफ्लेक्स या दाल तो इनमें से आप कॉर्नफ्लेक्स खाओगे तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी राहुल इज सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी राहुल को क्या है स्कर्वी है तो उसे क्या खाना चाहिए उसे साइट्रस फ्रूट खाना चाहिए इफ़ यू हैव डिफिकल्टी इन स्टडिंग एट नाइट अगर आपको रात को डिफ़िकल्टी है पढ़ने में ठीक है डिम लाइट में आपकी आके दुख रही है तो आपको क्या खाना चाहिए विटामिन ए वाले फूड आपको खाना चाहिए सोहम लुक्स टायर्ड सोहम कैसा दिख रहा है पेल दिख रहा है टायर्ड थका हुआ वीक दिख रहा है तो उसे क्या हो सकता है उसे अनिमिया हो सकता है देन नीता जो है वो छः साल की बच्ची है बट वो एग फिश और मीट नहीं खा सकती क्योंकि वो वेजिटेरियन है तो उसे वेजिटेरियन चीज़ों में क्या चीज़ खानी चाहिए कि जिससे उसे प्रोटीन की कमी पूरी हो जाए तो उसे क्या खाना चाहिए दाल मिल्क एंड नट्स खाने चाहिए नाउ अंडरलाइन द फूड आइटम्स विच इज विच गिव्स अस एनर्जी तो इनमें से क्या है जो हमें एनर्जी देता है तो क्रीम बिस्किट चीज सैंडविच एंड डेरी मिल्क चॉकलेट जो है इनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है तो ये हमें एनर्जी देते हैं नाउ सर्कल द ऑड वन आउट इनमें से ऑड क्या है बटर ऑयल की ये तीनों फैट से रिलेटेड चीज़ें हैं बट डाल इज नॉट रिलेटेड टू फैट राइस कॉर्न कैरेट और पटेटोज तो इनमें से कैरेट जो है इट इज़ डिफरेंट क्योंकि इन तीनों में स्टार्च है और कैरेट में स्टार्च नहीं है नाउ शुगर मिल्क एग्स एंड मीट तो मिल्क एग और मीट ये प्रोटीन वाली चीज़ें हैं बट शुगर प्रोटीन वाली चीज़ नहीं है बेरी बेरीज करवी एनीमिया रिकेट्स ये तीनों विटामिन की कमी की वजह से होते हैं और एनीमिया नहीं सो so, एनीमिया डिफरेंट ऑड वन देन नेक्स्ट वन इज़ योर एक्टिविटी तो इसमें भी एक्टिविटी में आपको क्या करना हो सकता है कि आपको जो पैक्ड फूड है उसे कलेक्ट करके उसका जो न्यूट्रिशन फैक्ट वाला जो हिस्सा होता है उसे कट करके एंड पेस्ट करना है सो आई होप यू अंडरस्टूड अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द लाइव सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग